गाइस फाइनली आज मैं आप लोगों को अजमेर शरीफ दरगाह पे पहला रमजान पहला रोजा का मंजर दिखा रहा हूँ 2024 का। ये हमारे कुछ मेहमान है जी। सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप? हम बलिया जी। ये आप तारीख का इंतजाम हो रहा है और आज पहला रमजान है अजमेर शरीफ में, क्या कहना चाहते? आज रमजान का मौका है, हमारे भाईजान मिले, कैसा मैनेजमेंट करा आप लोगों ने? सरकार गरीब नवाज का दरबार में आज पहली रमजान का। और कितनी पब्लिक रही होगी अंदाजन यहाँ पर? देखिए पूरा साफ सफाई का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है पूरा। अब नमाज का टाइम, आप लोगों को क्या काम दिया गया जी बताइए? मेरे दोस्त, ये मेरा भाई, ये पूरी फैमिली साथ में बैठकर के रोजा खोल चुके हैं, हाजी सैयद नूर आलम बाबा साहब, जो कि आज इन्हीं से हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे रमजान के मुतालिक। क्या आपने तो सहरी कर लिया, आपने तो अफ्तार कर लिया, पता लगा कि पड़ोसी जो है भूखा है, उसके घर में सहरी के लिए नहीं है, अफ्तार के लिए नहीं, तो सबसे पहले आपका फर्ज ये बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली सबसे पहले तो आपको रमजान मुबारक हो। तो आज रमजान का पहला रोजा है माशाल्लाह। तो आज अजमेर शरीफ दरगाह पे हम लोग जाएंगे, रोजा खोलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, और कैसा क्या मामला रहेगा, किस तरीके से लोग रोजा सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर, रमजान सेलिब्रेट करते हैं, रोजा खोलते हैं, और कितना इंतजाम दरगाह शरीफ में होता है, और किन की जानिब से होता है, जो जारीन ख्वाजा आते हैं उनका रोजा खोलने का इंतजाम कौन करवाते हैं। तो चलो चलते हैं, जानकारी देते हैं आपको, पूरा बताते हैं। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि आपको समझ में आए। अभी हम लोग दरगाह बाजार में आ चुके हैं और ये हम लोग दरगाह मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, देख सकते हो, और ये हमारे चाचा भाईजान जा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, कहाँ से हैं आप? बलरामपुर। यूपी से आए हो? यूपी से। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आज गरीब नवाज के बारगाह में पहला रोजा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह। मतलब आज यहाँ पे रोजा रखे और अब खोलने जा रहे हैं, इबादत करेंगे दरबार पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब दरबार के अंदर चलते हैं, कैसा क्या माहौल अंदर दिखाते हैं। यहाँ पर भी दस्तरखान बिछाते हैं खादिम हजरात, और हर जगह पूरा इंतजाम करा जाता है रोजे इफ्तारी का। अभी चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। तो फाइनली आप देख सकते हो डंके का टाइम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो मोमबत्ती होती है उसको सरों पे रख के दरबार गरीब नवाज पे जलाई जाती है, तो रोशन किया जाता है, तो उसका टाइम हो चुका है। अभी रोशनी की दुआ भी होगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा चल के। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज माह रमज़ान का दिन स्टार्ट हो चुका है, तो किस तरीके से रोज़ा रमज़ान आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? माशाल्लाह, बहुत मुबारक महीना शुरू है, आज रमज़ान का पहला मुबारक दिन है जी। और माशाल्लाह पब्लिक बहुत है माह रमज़ान मुबारक के महीने में जी। और गरीब नवाज की बारगाह है यहाँ, तो माशाल्लाह रहमतें बरसती हैं, बेशक बेशक अताए रसूल हिंदल वली का दरबार है ये, बेशक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम हाजी सैयद साजिद अली चिश्ती। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे जी? जी अच्छा रखे गरीब नवाज जी, सब खैर बरकत का फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी दरबार के अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या माहौल है, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए खासी तादाद में, ये देखिए दरगाह मेन गेट पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हमारे खुद्दाम हजरात की जानिब से माशाल्लाह दस्तरखान बिछाया जाता है। ये देखिए रोज़ा अफ्तारी यहाँ पे खुलवाई जाती है, हमारे जो अजमेर शरीफ के खादिम हजरात हैं उनके जानिब से यहाँ पर रोजे में जारीनों के लिए इंतजाम करा जाता है माशाल्लाह। ये देखिए जी हजरत, आज रोजा रमजान का दिन स्टार्ट हो चुका है, मैं देख रहा हूँ दस्तरखान हर जगह बिछ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बस ये कहना, हमारा ये कहना है जी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है जी, जो मौका दिया परवर दिया खले खिदमत करने के लिए हमें जी, हजरत बाबा की चौकट है जी, तमाम हर मुल्क का मजहब का आदमी आता है जी, तारीख के लिए रोजा खोलता है, बड़ी रोजा रखते हैं, अल्लाह इनकी नमाजों को रोजे को कबूल फरमाए परवर दिया, हम दुआ करते हैं, हमारा तो यही पैगाम है जी, जो रोजा रखा है नमाज रखी जी। ये जो आफ्तारी वगैरह होती है किन के जानिब से होती है जनाब? ये तमाम खुदा में खाजा की जानिब से। अच्छा ठीक है, कोई नाम नहीं है, तमाम खुदा में खाजा की तरफ से होती है, गरीब नवाज जितने भी गुलाम लोग हैं, हम लोग खादिम लोग हैं, सबकी जानिब से होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर जारीन जो अजमेर में आए हुए हैं, ये दरगाह मेन गेट है, दरगाह मेन गेट पर भी जारीनों के लिए इंतजाम करा गया, देख सकते हो दरगाह मेन गेट के बाजू में ही यहाँ पे दस्तरखान बिछाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दस्तरखान बिछाए गए, ये सब खुद्दाम हजरात के जानिब से होता है माशाल्लाह। देखिए ये अजमेर शरीफ के जो खादिम हजरात है वो पूरा जारीनों के लिए इंतजाम करते हैं,
अभी कुछ मेहमानों से भी बात तो देखें यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ मेहमान आए हुए हैं। यहाँ पर भी जायरीनों के लिए इंतजाम करा गया है, सबको बुला बुला करके बैठाया जाता है। ये देखिए यहाँ लेडीज़ों के लिए अलग करा गया है और जेंट्स लोगों के लिए अलग करा गया है। ये हमारे कुछ मेहमान हैं जी। सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप? अम्बालिया जी। कहाँ से हो? अम्बालिया। गुजरात से हो? गुजरात। जैसे कि आप देख रहे हैं अजमेर शरीफ में हो आप और ये आफ्तारी का इंतजाम हो रहा है और आज पहला रमज़ान है अजमेर शरीफ में, क्या कहना चाहोगे? करम है, मतलब इस तरीके से खुद्दाम आजाद की तरफ से इंतजाम हो जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से हो? हैदराबाद जी। हैदराबाद से आए हो? माशाल्लाह, देख आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पे इंतजाम करा जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा है। अच्छा है, मतलब पहला दिन है, क्या कहना चाहोगे? जी कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? तकरीबन 20 साल से आ रहे हैं। अच्छा, 20 साल से आ रहे हैं और इस तरीके से रोजा अफ्तारी यहाँ दरबार में ही? रमजान के हम पहली बार आए हैं यहाँ पर। अच्छा, पहली बार आए? कैसा? पहली बार है। अच्छा, बाद रमजान का शवाल का महीना हमेशा। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है? अल्लाह का बहुत सुकून है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहोगे खादी मजरात के लिए जो इंतजाम करते हैं? रोशनी की दुआ स्टार्ट हो चुकी है, रोशनी की दुआ सुनाते हैं आप लोगों को। देखिए जैसे कि रोशनी की दुआ हुई, माशाल्लाह। सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप? गुजरात से, सुरेंद्र नगर से। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आज यूट्यूब पर देखते हैं हम। अच्छा, बहुत शुक्रिया।
आज माह रमजान का दिन है। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आप? मुंबई। मुंबई से। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है ये मंजर? माशाल्लाह माशाल्लाह, हम तो हमेशा आते हैं। अच्छा, तो ये खादी मजरा जैसे कि ये पूरा करते हैं, आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा करते हैं, हर ईमान वाले को फिक्र रखना चाहिए। जी जी, रमजान मुबारक का महीना है, अल्लाह तमाम लोगों को दीन की तौफीक अता फरमाए, आमीन। गरीबों की चाहत अता फरमाए, आमीन। खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक, मतलब ये कि ये जो पूरा इंतजाम करते हैं बहुत 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 प्यारा, बहुत बढ़िया। ठीक है, रोजेदारों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहना चाहोगे? आप देख सकते हो ये साजानी मस्जिद है और खासी तादाद में जायरीन ख्वाजा यहाँ पर एक साथ बैठ करके रोज़ा खोलते हैं और रोज़ा खोलने के बाद में यहीं पर नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये नूरानी मंजर रमज़ान के मौके पे हम लोगों को देखने को मिलता है। और मैं खुश नसीब हूँ कि माशाल्लाह अगली साल जो मैंने दिखाया था, पिछले साल जो गया है मेरा, वो सऊदी अरब में मैंने मक्का शरीफ में दिखाया था, और इस बार मैं आप लोगों को गरीब नवाज़ की चौखट का दिखा रहा हूँ। दुआ करो अगर मेरे को दुबई का वीज़ा मिल गया तो मैं इंशाल्लाह दुबई का दिखाऊंगा, नहीं तो नेपाल का। तो मैं दिखाई दूंगा आप लोगों को मंजर कैसा होता है नेपाल में रोज़ा रमज़ान का, कैसा माहौल होता है माशाल्लाह। ये देखिए अजमेर शरीफ दरगाह पे रमज़ान के मौके पे ये हमारे खादिम साहब मिल चुके हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहोगे आज रमज़ान के मौके पे ज़ारीन ख्वाजा के लिए इंतजाम करा है खादिम खुद्दाम हजरात ने, क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का वसीले तवसुल से जी अल्लाह ताला पूरे दुनिया में अमन अमान अता फरमाए, आमीन। और हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जो भी लोग जो भी अपने अपने तौर से जहां भी लोगों की खिदमत कर सकते हैं जी जिस भी तरह से वो लोगों की खिदमत करें, अपने पहले पड़ोस में गरीबों का ख्याल करें, उस इस मौके के ऊपर उनको इफ्तारी और सहरी का इत्माम कराएं जी, और इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, खुद भी दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ करें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपका नाम क्या होगा? हाजी शकील चिश्ती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, उनसे थोड़ी सी हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। सर सलाम वालेकुम, वीडियो देखते हो मेरी? का मंजर देखते हैं। अच्छा, मेरी वीडियो देखते हो? छड़ी का मंजर गरीब नवाज के जब वहाँ शुरू होता है। कहाँ से आए हो आप? मालेगांव महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आए हो? आज यहाँ पे रोजा अफ्तारी का दरबार पे इंतजाम करा गया, क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये कि गरीब नवाज अपनी बारगाह पे बुलाते हैं और हम आ जाते हैं। आ जाते हैं माशाल्लाह। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे जायरीन यहाँ पे चाचा लोगों को भी, ये देखिए यहाँ पर लोगों को बांटा जा रहा है, इफ्तारी दिया जा रहा है जायरीनों को, हमारे अजमेर के जो खुद्दाम हजरात के तानिम। तो आप चलते हैं और भी जगह, देखिए पूरा रोजे इफ्तारी का इंतजाम करा गया। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा लेडीज का सेक्शन है, यहाँ पे लेडीज लोगों के लिए इंतजाम करा गया पूरा। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए काफी दूर दूर से आए हुए हैं लेडीज लोग भी जो रोजा रमजान रख रहे हैं। सलाम वालेकुम हजरत, क्या कहना चाहोगे? आज रमजान का महीना है, पहला रोजा है, इंशाल्लाह वाला अल्लाह ताला सबके रोजे कबूल फरमाए जी, नमाजों में कबूल फरमाए, तरावियां कबूल फरमाए, उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे जी। जो भी रोजा रखते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके तमाम रोजा अफ्तार नमाज वगैरह सब अल्लाह ताला पूरी करे जी। अल्लाह ताला उनको उनके दुआओं से सब लोगों की भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, सबके रोजे पूरे हों, नमाज तरावियां सब पूरी हों, सरकार गरीब नवाज की दुआएं भी शामिल हाल रहे सबके साथ, आमीन सुम्मा आमीन। तो मतलब खुद्दाम हजरात के जानिब से सब हुआ ही है, सब ख्वाजा साहब की तरफ से हुआ है, खुद्दाम ख्वाजा साहब और खाजी ख्वाजा साहब अलग अलग थोड़ी सब उन्हीं की तरफ से, बेशक तो ये साथ में रहेंगी तो काम चलते रहेंगे, बेशक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पूरा क्या चाल है भाई, सब खैरियत? आज रोजा रमजान का महीना है, क्या कहना चाहोगे? बेशक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर चारों तरफ आपको रोजा अफ्तार का नजर आएगा, जहाँ पर भी देखेंगे आप, सारे लेडीज लोगों के लिए अलग इंतजाम करा गया है, जेंट्स लोगों के लिए अलग इंतजाम करा गया है। ये हमारी चाची जी, सलाम वालेकुम चाची, कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? अच्छा अच्छा, कैसा लगा गरीब नवाज की बारगाह पे आज रोजा खोल रहे हैं आप लोग? मतलब ये सब इंतजाम अच्छा लगा? हाँ। और क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, अच्छा, कहाँ से आए हो आप? इंडिया। ठीक है, बेंगलोर से आए हो, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए खुद्दाम हजरात के लिए दुआ कर रहे हैं जारी, और माशाल्लाह ये देखे
सलाम अलैकुम। देखिए पूरा इंतजाम यहाँ पर करा गया है ज़ायरीनों के लिए, पानी का भी है, देखिए पानी का भी इंतजाम है और सब चीज़ों का इंतजाम करा गया है माशाल्लाह। और लगता है भाई हम ऐसे भाई खैर ये हमारा अच्छा कहाँ से हो आप? अच्छा सोलापुर महाराष्ट्र से। आज गरीब नवाज की बारगाह पे पूरा इंतजाम हुआ, क्या कहना चाहोगे? ओ मिस्टर खान है क्या? आओ मिस्टर खान, स्वप्निल प्रकाश पाटिल फॉलो करता हूँ मैं आपको। कहाँ से हो आप? मैं मुंबई से। अच्छा ठीक, आप मिले थे ना छड़ियों में? हाँ। गरीब नवाज गरम गरम मैं दिखा क्या मैं? अभी देखो यहाँ पर भी पूरा इंतजाम करा गया, यहाँ पर भी इंतजाम है जो दिखाते हैं आप लोगों को। सलाम वालेकुम, हमारी देखो खाला मिल चुकी दुआ थी आप लोगों की सर पे। देखिए हमें इतना मोहब्बत करते हैं, कहीं भी शुक्रिया। कहाँ से आप? मुंबई से। अच्छा सारी वीडियो देखते हैं, शुक्रिया देखते हैं। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिछली बार रमज़ान में देखा होगा मेरा वहाँ उम्र का सबसे, इस बार गरीब नवाज के बारगाह का। अच्छा 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 माशाल्लाह। तो क्या मैसेज मिलता है मेरी वीडियो से? अच्छा मिलता है, मतलब रियल चीज़ जानकारी बन जाता है क्या? देखिए खाला ने हमारे को बोला कि भाई खान तुम्हारी वीडियो हम देखते हैं, तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, दरबार देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, माहौल बहुत खूबसूरत है, आज रमजान का पहला दिन है और काफी खूबसूरत मंजर है, सब जल्दी में सब रोजा खोलने के लिए इधर से उधर जा रहे हैं। देखिए तो दरबार से हमारे को खादिम साहब मिल चुके हैं। जी आज पहला रमजान है, क्या कहना चाहोगे हजरत? आज पहला रमजान है, रमजान सबको पहली बहुत बहुत मुबारक हो जी। और सरकार गरीब नवाज में आप देख रहे हैं ये सब ज़ायरीन हजरात बैठे हुए हैं रोजे में और माशाल्लाह बहुत ज्यादा तादाद के अंदर ज़ायरीन हजरात है जी। और ये सब इंतजाम होता है सैयदजादगान अंजुमन की जानिब से दस्तरखान लगाए जाते हैं और दीगर लोग भी अपनी अपनी तरफ से दस्तरखान लगाते हैं आने वाले ज़ायरीन हजरात को जी। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल रहता है दरबार के अंदर जी, जैसे कि आप देख रहे होंगे चारों तरफ दस्तरखान लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह बहुत पहला रमजान है, बहुत ज्यादा ज़ायरीन आए हुए हैं माशाल्लाह। बेशक मतलब अजमेर शरीफ में कुछ इसी तरीके से बड़े जोरों शोरों से उत्साह के साथ रमजान मनाए जाते हैं, बहुत जोरों शोरों से मनाए जाते हैं। आज तो पहला ही रमजान है, आगे आगे और ज़ायरीन की तादाद बढ़ती रहेगी जी। और आने वाली छठी पे तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा ज़ायरीन आ जाते हैं तो और एक अच्छा माहौल बन जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो देखिए यहाँ पे पूरा इंतजाम करा जाता है, देखिए खासी तादाद में सलाम अलैकुम। तो देखिए खासी तादाद में यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं और रोज़ा रमज़ान खोलते हैं, यहाँ पे रोज़ा रखते हैं लोग। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए जहाँ पर भी आप नज़र मारोगे रोज़ा रमज़ान का इंतजाम करा गया है। देखिए स्पेशल लोगों को बैठा करके यहाँ पर दावत मतलब रोज़ा रमज़ान खुलवाए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। सलाम अलैकुम, कैसे हो? खैरियत खाला? सलाम अलैकुम। अच्छा अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं आप चाचा? अच्छा इंदौर से हो, मतलब सारी वीडियो मेरी देखते हो। अच्छा कैसा लग रहा है आज मंजर गरीब नवाज के बार का? अच्छा क्या कहना चाहोगे ये खादिम हजरात ने जो इंतजाम करा, मतलब करना चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ वीडियो देखते हो मेरी? अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कहाँ से आप? अच्छा बाराबंकी से। इंशाल्लाह देखो आज अजमेर का दिखा रहा हूँ, कल दिल्ली का दिखाऊंगा और उसके बाद नेपाल भी जाऊंगा। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोगों को माहौल। ये देखिए सुभान अल्लाह, पूरा दरबार दस्तरखान चारों तरफ लगे हुए हैं, जहाँ पर भी आप नज़र मारोगे दस्तरखान ही दस्तरखान आपको नज़र आएंगे, चारों तरफ ज़ायरीन ख्वाजा बैठे हुए हैं। ये देखिए सुभान अल्लाह, जहाँ पर भी नज़र मारोगे ज़ायरीन ख्वाजा बैठे हुए हैं और इबादत का महीना है रमज़ान का महीना माशाल्लाह। तो अब छूट गई है और फाइनली रोज़ादार ने रोज़ा खोलना शुरू कर दिया है और हम भी चलते हैं अब कहीं ना कहीं देख करके जगह बैठ करके हम भी रोज़ा खोलते हैं और इंशाल्लाह देखिए अभी नमाज का टाइम होगा वो भी आपको दिखाएंगे कैसा माहौल होता है। जैसे कि आपको पता है मैं पिछली बार सऊदी अरब में था, मैंने वहाँ पे दिखाया था आप लोगों को रोज़ा रमजान का माहौल, इस बार अजमेर शरीफ में दिखा रहा हूँ और आज हमें सर हासिल हुआ कि गरीब नवाज की बारगाह पे गुम्बद पे शाह तले पे हम लोग बैठ कर के रोज़ा खोल रहे हैं। तो आप देख सकते हो इसमें केला सेब फरूट और एक जूस की मतलब यहाँ पे शरबत दिया गया था, सब चीज़ यहाँ पे इंतजाम करा जाता है और
क्योंकि यहाँ पे टाइम वक्त कम मिलता है, इसलिए एक एक चीज़ दो दो चीज़ें ज़्यादातर जारीनों को दिया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी वो रोज़ा खोल सकें और भी खोलने के बाद नमाज पे अपना ध्यान दें और नमाज पढ़ें। हाँ, ये मेरे दोस्त, ये मेरा भाई, ये पूरी फैमिली साथ में बैठ कर रोज़ा खोल रही है। अब अजान का टाइम होने वाला है, रोज़ा मैंने रोज़ा यहीं पर खोल लिया है। अब चलते हैं वहाँ पर, कैसा क्या माहौल है आप लोगों को जाके दिखा। अजमेर शरीफ दरगाह पे कुछ इस तरीके से रोज़ा रमज़ान का दिन होता है और खासी तादाद में जारी नफाज आते हैं जो कि गरीब नवाज के बारगाह पे रोज़ा खोलते हैं, नमाजें पढ़ते हैं माशाल्लाह। और अभी नमाज का वक्त होगा, वो भी दिखाएंगे आपको। हमारे भाई ये बड़े जो कि हमारी वीडियो देखते हैं, तहे दिल शुक्रिया। कैसा लगती है मेरी वीडियो? बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बनाते हैं, हमारा बहुत दिल खुश होता है। मतलब कुछ देते हैं, जानकारी देते हैं अच्छी से अच्छी और बढ़िया। हमें तो बहुत अच्छा लगा, उमरा करने गए थे वहाँ से, पहले से आते हैं हम। अच्छा, मतलब पिछली बार मैंने सऊदी अरब में दिखाया था पहला रमजान। जी जी जी। और आज गरीब नवाज के बारे में पहला रमजान दिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। कहाँ से आए आप? यूपी अलीगढ़ अकरा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में। आपका धन्यवाद से हूँ, मैं आपको वीडियो बहुत दिन से देख रहा हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब वीडियो से कैसा क्या मैसेज मिलता है? वीडियो से आपका क्या है ना कि यहाँ आने से पहले सभी जगह को हम लोग पहले से जान रहे, लग रहा था कि घुमा हुआ हूँ, यहाँ आने से पहले जानकारी रहता कि ये जगह पे ये चीज़ है। अच्छा, मतलब पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आपको जानकारी मिल जाए, समझ में आ जाता किधर क्या है। मैं आपका धन्यवाद से, मैं आपका वीडियो बहुत दो साल से रमसम देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हो आज रमजान का मौका है, हमारे भाईजान मिले। कैसा मैनेजमेंट करा आप लोगों ने? सरकार गरीब नवाज का दरबार में आज पहली रमजान का माहौल बहुत बढ़िया हो गया। तारीख के लिए काफी जायरीन था माशाल्लाह, सबके लिए खैर बरकत के लिए दुआ किया सब लोग ने। इस तारीख का टाइम वक्त में अल्लाह सुबह गरीब नवाज का खैर बरकत अपने जो मुसलमान को आने को परेशान को मिटा के कुशादा फरमाना दे। सब लोग ने इफ्तारी में दुआ किया, अल्लाह सुबह सबका दुआ कबूल फरमाना दे। ठीक है, आमीन रहमत के आराम। तो मतलब अच्छे से इंतजाम पूरा करा आप लोगों ने? इंतजाम अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
और कितनी पब्लिक रही होगी अंदाजन यहाँ पर? तकरीबन तो 20-25 हज़ार 20-25 हज़ार पब्लिक रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दरबार गरीब नवाज में किस तरीके से आप लोगों ने, क्योंकि आप दरबार के चपरासी हो यानी पूरा मैनेजमेंट आप लोग संभालते हो ना, आपके अंडर में क्या क्या आता है? हम लोग अंदर का संभालते हैं, आस्थाने शरीफ का। हाँ, क्या क्या आता है आपके अंडर में? संभालते हैं हम लोग। अच्छा, तो कितना पब्लिक था, किस तरीके से पूरा मैनेज करा आप लोगों ने आज? बहुत पब्लिक थी, बहुत ज्यादा पब्लिक थी, बहुत भीड़ थी आज, एक रमजान है वो हिसाब से बहुत ज्यादा पब्लिक थी माशाल्लाह। तो मतलब इस तरीके से पूरा लोगों को अफ्तारी आप लोगों ने दी जा जा के प्लेटों में और लोगों को रोजा खुलवाया। जी जी जी, ठीक है। और ये भी आप लोगों के मतलब साथ में ही है? आपके अंडर में क्या क्या आता है, आप लोग क्या क्या करते हैं यहाँ पर? जो है अफ्तार करवाई, पहला रोजा था आज, और माशाल्लाह सरकार गरीब नवाज के अंदर बहुत जायरीन था, पूरी दरगाह भरी हुई थी अब, और सारे लोगों को अफ्तार कराई गई जी। यहाँ के खुद्दाम हजरातों की जानिब से भी कराई गई, और जितने भी दस्तरखान लगाए यहाँ चारों तरफ अंजुमनों की तरफ से, खुद्दाम हजरातों की तरफ से, और जगह जगह दस्तरखान लगाए गए और उसके अंदर सारे जायरीनों को अफ्तार कराई गई। जो यकीदन मन आए थे मेहमान, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उन लोगों ने यहाँ अफ्तार किया। आज पहला रमजान था, माशाल्लाह सबका अच्छा गुजरा और सबों ने दुआ करी सरकार गरीब नवाज के अंदर, और सबके हक में यहाँ दुआ हुई जी। और अभी नमाज हो रही है, नमाज के बाद में फिर दुआ होगी सारे हिंदुस्तान में। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब आपको क्या काम दिया गया यहाँ पर? ये अपने काम खिलाने के लिए, अफ्तारी कराने के लिए, मतलब लोगों को देखभाल करने के लिए, लोगों को अफ्तारी देने के लिए रखा गया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? सलीम। और आपका? कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, कल मिले थे ना, माशाल्लाह। कल क्या है? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रोजा खोल लिया आज तुम लोगों ने? रोजा सबका था। अच्छा, आज सबका रोजा था, सब लोगों ने रोजा रखा? अरे हाय हाय माशाल्लाह, दरबार में रोजा खोला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। केरला से भी लोग आए हुए हैं, केरला से भी आकर के यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए, पूरा साफ सफाई का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है पूरा। अब नमाज का टाइम हो रहा है तो साफ सफाई हो रही है। देखिए, लेडीज लोगों के लिए नमाज का जगह बना रहे हैं यहाँ पर साफ सफाई। तो देखिए, यहाँ पर लाइन लगा करके जायरीनों के लिए लंगर दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, लंगर बांटा जा रहा है लाइन लगा करके। देखिए, तो आप देख सकते हो, हमें नूर आलम बाबा साहब भी मिल चुके हैं, जो कि जायरीनों को, जो आए हुए हैं दरबार में, उन लोगों को पहले अफ्तारी वगैरह का इंतजाम यहाँ पे खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से जो हुआ आपको दिखाया था मैंने, और अब यहाँ पर जायरीन ख्वाजा को लंगर दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पर सहरी भी होती है, अफ्तारी रोज़ा भी खुलवाया जाता है, और यहाँ पर लंगर भी बांटा जाता है, बैठा करके लोगों को खिलाया जाता है। अब इनसे थोड़ी जानकारी। तो फाइनली हम लोग दरबार गरीब नवाज में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हमें मिल चुके हैं हाजी सैयद नूर आलम बाबा साहब, जो कि आज इन्हीं से हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे रमज़ान के मुतालिक। आज बाबा पहला रमज़ान था, किस तरीके से आप लोग रमज़ान मना रहे हैं, और जो ज़ायरीन कहते हैं कि भाई हम लोग अजमेर दरगाह पे रमज़ान पे नहीं आ पा रहे, तो उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा बताएं हमें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू जी। सबसे पहले तो मैं तमाम आशिकान गरीब नवाज को, जो जितने धर्म, जितने मज़हब, जितनी नस्ल के लोग हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जितने लोग रहते हैं, तमाम आशिकान गरीब नवाज को रमजानुल करीम की सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। आमीन। और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक महीने में जितने लोग रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, अल्लाह ताला उन सब के रोज़ों को, उनकी नमाजों को, उनकी इबादतों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन। और हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में चिश्तिया दस्तखान लगता है, यहाँ पे
सदका ज़कात खैरात फितरा सब हराम है, क्योंकि ये सैयद उस सादात हुजूर गरीब नवाज का दरबार है, आले नबी औलाद अली का दरबार है, और यहाँ जितने लोग रहते हैं सब सादात रहते हैं, तो सादात के ऊपर सदका ज़कात खैरात फितरा हराम है। तो ये जितना भी पूरे दरबार में नजर व न्याज का जो सिलसिला है, जो लंगर है, जो सहरी है, जो अवतार है, वो नज़र गरीब नवाज, नजराना गरीब नवाज से तमाम आशिकाने गरीब नवाज के लिए लगाया जाता दस्तखान। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम आशिकाने गरीब नवाज एक साथ बैठ के प्यार और मोहब्बत के साथ गरीब नवाज के इश्क में सब लोग यहाँ रोज़ा अफ्तार करते हैं, और तमाम आशिकाने गरीब नवाज बारगाह में आते हैं, दुआएं मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर गरीब नवाज के सदके और तुफैल में तमाम आशिकों की दुआओं को कबूल फरमाए, और जितने लोग हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में नहीं आ सके किसी वजह से, उनके लिए भी सरकार गरीब नवाज की बारगाह में दुआ करते हैं। सरकार गरीब नवाज के सदके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके भी रोज़ों को, नमाजों को, इबादतों को कबूल फरमाए। आज पहला रमज़ान है, तो आज दरबार में क्या क्या होगा, और कल और पूरा एक महीना क्या होगा यहाँ दरबार में? पूरे महीने सरकार गरीब नवाज में हुजूर गरीब नवाज का चिश्तिया दस्तखान लगेगा। इसमें तमाम जायरीन जितने आशिक गरीब नवाज में आएंगे सबके लिए सहरी के लिए अफ्तार के लिए दरबार में इंतज़ाम किया गया है, और इंशाल्लाह ये पूरे महीने चलेगा इंशाल्लाह, और सबके लिए बारगाह गरीब नवाज में दुआ होगी। और एक चीज़ बाबा की, कई लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो देखते हैं वीडियो, कई लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, या फिर वो लोग किसी कारण से नहीं आ पा रहे, वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? तो हमारा मोबाइल नंबर इसके ऊपर डाल दो आप, इंशाल्लाह मोबाइल नंबर से कॉन्टेक्ट करें हुजूर गरीब नवाज के दरबार में, जो भी खिदमत करना चाहते हैं मोबाइल नंबर से आप फ़ोन करें, मैसेज करें जी, और दुआ भी होगी इंशाल्लाह दरबार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब जो जारी नहीं आ पा रहे उनके लिए आप दुआ करते हैं? बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक चीज़ और बाबा की, कई लोग जैसे इबादत कर रहे हैं, तो अजमेर शरीफ से किस तरीके से इबादत करना चाहिए, क्या मैसेज है? अभी रमज़ान का बहुत मुबारक महीना है, इसके अंदर तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद पढ़ के सहरी करें जी, सहरी करके पांच वक्त नमाज पढ़ें, और रोज़ा खुद तो रखें लेकिन इसका ख़ास तौर से ध्यान रखें कि आपने तो सहरी कर लिया, आपने तो अफ्तार कर लिया, पता लगा कि पड़ोसी जो है भूखा है, उसके घर में सहरी के लिए नहीं है, अफ्तार के लिए नहीं, तो सबसे पहले आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि अपने पड़ोस में सहरी का और अफ्तार का इंतज़ाम करें, कोई गरीब है तो गुरबा है तो अल्लाह ताला उनके भी रोज़े, उनकी भी सहरी कबूल फरमाए, उनकी भी इबादत कबूल फरमाए, इसका भी अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाए, इसके लिए भी दुआ करते हैं। दादा अजमेर शरीफ दरगाह से खादिम हजरात का ये मैसेज है? ये मैसेज है कि अपने पड़ोस का पहले ध्यान रखो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? हाजी सैयद नूर आलम चिश्ती, पीर साहब अजमेर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है आज माह रमजान का पहला दिन है माशाल्लाह, आज हम लोगों ने रोजा अफ्तारी अजमेर शरीफ में ही करा हम लोगों ने, और ये हमारे कुछ भाई लोग सब्सक्राइबर जो हमारी वीडियो देखते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। कहाँ से आप लोग? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हो माशाल्लाह, कैसा लगा अजमेर शरीफ में पहली बार रोजा रमजान रखा आप लोगों ने, खोला कैसा लगा? मतलब अच्छा लगा। कितनी बार आ चुके हो आप लोग यहाँ पे? तीन चार बार आ चुके हो, तो रोजा रमजान में पहली बार, ये पहली बार आ चुके हो? पहली बार आओ। कैसा नूरानी मंजर कैसा लगा? बहुत मजा आया। तो जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? तुम भी आ जाओ, सब कुछ काम देने छोड़ के गरीब नवाज के बारे में, मतलब जिसे ख्वाजा जी बुलाते हैं वही अजमेर आते हैं। ठीक है भाई, भाई लोगों ने कहा कि भाई आप लोग भी अजमेर शरीफ में आओ, क्योंकि ये नूरानी मंजर हर किसी को नसीब नहीं होता, तो लोग तड़पते हैं आने के लिए, पर इनको ये शर्फ हासिल हुआ कि ये गरीब नवाज के बारगाह पे आ सके। ठीक है, तो बहरहाल मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, पूरा अच्छे से आप लोगों को जानकारी दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे कि अजमेर का मंजर अपने आँखों से वो देख सके। तो मिलते हैं छोटे भाई, अल्लाह हाफिज़।